फाइनली भाई अपना पप्पी ले लिया हमने, फाइनली अपना एबीपीटी का पप्पी ले लिया और लेके घर ही जा रहे हैं ऐसे। मैं रिस्क ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ एबीपीटी को इनके बीच में। वो डर भी नहीं रही यार, ये तो बिल्कुल भी। कुछ टाइम पहले इसकी लड़ाई हुई थी अल्फा के साथ और ये देख लो इसने तो तुरंत ही ग्रिप लगा दी। फर्स्ट टाइम मैंने इतना रुद्र रूप देखा यार। पहले दिन ही एबीपीटी घर लेके आया और पहले दिन ही पंगा हो गया। ये ना पुराने टाइम की तिजोरी है यार। Hey guys, welcome back with the new vlog, और आप देख रहे हैं CHOP के vlog। चेक करो व्यू BMW को धोरा। इंजन पे पानी डाल दिया, अभी चला के लेके आया था, इंजन गर्म था ठंडा कर दिया। बाइक पूरी धो देगा क्यों? इधर इन दोनों की मस्ती चल रही, मस्ती भी बल्कि वो चल रही, मुंह मुंह से मुंह भी डारे। गाड़ी भी धोरा बाइक की, पिछाड़ी भी धोता है। ये कह रहा कि गाड़ी तो है ही नहीं, गाड़ी भी धो दूंगा। अब इसने तो ले भाई, मैं तो ना धोकर रेडी हो रहा था, मेरा काम तमाम कर दिया। और गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि आज एबीपीटी का पप्पी लेने जाने वाले हैं, उसका पप्पी लेने के लिए अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहाँ से। मैं ना जानबूझ के लेके आ रहा हूँ एबीपीटी की फीमेल पप्पी। हाँ पप्पी आएगा पर तू दूर रहेगा उससे। जानबूझ के फीमेल पप्पी ला रहा हूँ क्योंकि मेल पप्पी हो गया पीकू अल्फा और इनके साथ भी उसका पंगा बन जाएगा। अल्फू के साथ मैं नहीं चाहता कि पंगा बने, फीमेल जो होगी एक बार को दोस्ती कर सके इसके साथ। अगर इनकी दोस्ती होगी फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी, बट पहले फीमेल जानबूझ के ला रहा हूँ। और जो वो फीमेल है ना मेल से भी तकड़ी है, हर काम में मेल से आगे है हर काम में, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन ही ऐसी है। मेल तो लूसी भी है, लूसी अल्फा को ही हरा दे। ये लो वो दाब लिया, कुश्ती हो रही इनकी। अब भाई अब यार अल्फा को तो पीट दे यार। मम्मी को भी पता लग गया कि लूसी ना घर में जितना भी सामान उरा पर रखा है ना सारा उठा के अपनी खाट पर रख ले, कभी कभी लुको दे। तू समझा? बाकी सब तो सही था, नंगा हो गए नहाने को किसने कह दिया। व्यू ने अपना ट्रैक्टर भी धो लिया, टायर भी धो रहा घुमा घुमा के। मैं जब से काम हुआ पूरे परस पे सीमेंट चिपक गया। पीकू बैठ रहा, मम्मी की हेल्प कर रहा, सीमेंट उतरवा रहा अपने नखून तय। और गाइस फाइनली पहुंच गए वहां पे जहां से एबीपीटी का पप्पी लेना है। सबसे पहले दर्शन भी नहीं के हो गए। गाइस जो पप्पी हम ले रहे हैं ना वो ये वाले ले रहे हैं, और मैंने आपको बता दिया था कि मैंने फीमेल इसलिए लिया है क्योंकि घर पे अल्फा है ना, अगर उसके साथ पंगा हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो गाइस अपने हाथों में ले लेते हैं इसे। गाइस फाइनली भाई अपना पप्पी ले लिया हमने, तो ये अब हमारा हो गया। और भाई इसकी हिस्ट्री बतवा दो पहले मैं तुम्हें, इसकी हिस्ट्री क्या है बता, भाई इसकी हिस्ट्री बता। इसका जो फादर है वो चाइना इम्पोर्ट है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रेडबुल। रेडबुल की बच्ची है ये, और इसकी मदर? इसकी मदर है रफेल की बच्ची। रफेल की बच्ची जो भाई के पास ही रफेल था ना, उसकी बच्ची की ये बच्ची है। तो रेडबुल की बच्ची है भाई, रेडबुल आ जा भाई। गाइस इसका नाम क्या रखे, नाम कमेंट करके बताइयो, इंग्लिश नाम बताइयो, इंग्लिश नाम रखना। गाइस अभी जाते ही सीधा गिरी भी लगाएगी ये। ए ए ए ए ओ भाई उछल उछल के अब मिल नहीं रहा। ये देखो ये देखो गाइज एबीपीटी के अंदर ना एनर्जी हो गया है। और भाई बहुत बार तो ऐसी ऐसी एबीपीटी हुआ है जो ना फीमेल भी मेल को खत्म। लेकिन ये हमने टुच वुच करने के लिए नहीं ली, फाइट वगैरह के लिए नहीं ली, बस अपना शौक है अपने शौक में ले ली। और तुम लोगों ने कमेंट कर रखे थे ना इतने ज्यादा, तो उस कमेंट की वजह से ही ले ली हमने। और ये देखो भाई डांस इसका शुरू हो गया। और गाइज ये ना डांस कर करके भी दिखाया करेगी तुम्हें। और एबीपीटी के अंदर बहुत एनर्जी बन जाता, तो उस एनर्जी को वेस्ट करने के लिए ना इस तरीके के सेटअप भी करना पड़ेगा ताकि इनकी एनर्जी वेस्ट होती रहे। सारी चीजें तुम भी बताते रहना। इसकी ग्रिप दिखाता हूँ तुम्हें कितनी तगड़ी है। ये लो भाई देख लो, चारों पैर हो मैं इसके। ओए घूम गया इस पप्पी तो ले लिया, अभी जा रहे हैं मछली देखने के लिए। और मैं ना ये सारी चीजें इसलिए देखता घूमता रहूं ताकि मेरे को एक्सपीरियंस होता रहे। इसमें मछली चेक करते हैं कितनी है। एक ही मछली है अभी तो? नहीं चार है इसमें भाई। एक ही है यार। अच्छा ये लेटरी इधर की साइड में। इतना बड़ा एक्वेरियम रखने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब पूरा सेटअप हो जाएगा ना तब रखूंगा इतना बड़ा एक्वेरियम। एक मछली को रख रखा इसके अंदर, ये ब्लैक कलर की है। ये अलग ही टाइप की मछली है यार, अटैकिंग मछली, ये फाइटर मछली है इसलिए अलग रखी है। और गाइस जब ये कैसी खतरनाक जगह पे आ गए, ये चेक करो भाई ये भूतिया हवेली है। अभी ना हम दिन में इसके अंदर आ रहे घूमने के लिए, रात को तो यहाँ किसी की हिम्मत नहीं आने की। ये चेक करो तुम भाई, बहुत पुरानी हवेली है ये, लगभग होगी 100-150-200 साल पुरानी। अब कोशिश कर रहे इसके अंदर जाने की। सबकी हवा टाइट होगी थी गाइस, इसकी भी हिम्मत नहीं पड़ती यहाँ रात को आने की। तो दिन में तो हम आ भी सके क्योंकि दिन में ना सब जगह रहे हैं और भूत हो गए। गाइस अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे, सारे एक साथ चलेंगे तो डर भी नहीं लगने का। देखो भाई कैसे रास्तों से हो गए जाना पड़ रहा, सब कुछ खंडर हुआ पड़ा है यहाँ, तो किसी भी टाइम गिर सके। बस हम रिस्क लेके आगे, और हम इसलिए आए यहाँ क्योंकि ये देखना था कि पुराने जमाने की हवेली कैसी हो गए। और रात को तो हिम्मत भी नहीं बनती, अब ऊपर भी जा सके क्या? और भी गाइस अभी और ऊपर भी जा सके, लेकिन बस यहाँ तक ही जा सके। इसके आगे कदम रखते ही ना नीचे निकल जाएंगे सीधा। वैसे डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी, बस एजिटेशन सी हो रही कि कभी कुछ आई जा। ओए तो ऊपर आने की हिम्मत भी नहीं कर रहा, नीचे खड़ा। यहाँ से जगह छोड़ रखी। हाँ यहाँ तो यो नीचे यहाँ तक जगह है, तो यहाँ तो एक इंटी कार्ड का अपना पीछे दिल्ली जो रखे थे ऊपर, तो यहाँ धर दिए और यहाँ तक कार्ड का अपना जितने चाहे उतने काट दिए।
ये ना पुराने टाइम की तिजोरी है यार, पैसों को ऐसे लखो कर थे ऊपर डाल दिए और यहाँ से निकाल लिए ईंट हटा के। क्या पता यार भूत नहीं रखे हो पैसे। यहाँ एक सुरंग यहाँ है, यहाँ कुछ भी कीमती सामान लखो सके थे। और ये पुराने टाइम के बर्तन है, पुराने टाइम का चूल्हा जिसमें खाना बनाया करते थे पहले, और ये डल्डी है जिसमें रोटी रखा करते थे बना के, और ये कुछ और चीज है जिसमें दूध वगैरह मतलब खाने पीने का सारा सामान इन बर्तनों में रखा जाता। ये बात मैं जो कह रहा ना भूतिया हवेली, ये मजाक में नहीं कह रहा, ये सच में कह रहा, बिल्कुल सच में। रात को दादी ने मारे कर थी यहाँ, उसके द्वारा लोट जाया कर थे शुरू शुरू में, फिर माल लौटना बंद ही कर दिया था। ये कद्दू रात को मतलब ऐसी होती छम 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 छम, और सब डर जाया कर थे भाई, बच्चे थे हम सब। गाइस अभी वहां से आगे और यहाँ आते ही ये देखो डोग अर्जेंटिनो की फीमेल मिल गई। ये ना थोड़ी सी एग्रेसिव है, वुमेन एग्रेसिव है। हरियाणा लेके जा रहे हैं वैसे ही नॉर्मली, इसकी ट्रीटमेंट वगैरह होगा। आप लोगों को गाड़ी की डिग्गी में बांधा था थोड़ी देर के लिए, और पीछे से बोतल मिलेगी, बोतल के ये देखो हालत क्या कर दी, पूरे कर दिए छोटे छोटे पीसों में। गाड़ी की डिग्गी इतनी बढ़िया है, आराम से बैठा था, लेकिन बोतल की हालत देखो क्या बना दी इसने। ये देखो भाई इसका मुंह भी नहीं पकड़ रखा, नॉर्मल है बिल्कुल। लग गया डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू। फाइनली पहुंच गए दोबारा, और ये रहा अपना पप्पी जिसे हम ले जाने वाले हैं। तो चलो गाइस अभी लेके चलते हैं पप्पी को। गाइस अभी इसे बिल्कुल आजाद कर दिया, अभी हमारे साथ ही रहेगी हमेशा। तो यार अभी इसे ग्रिप लगा हुआ है, ये देखो हर चीज पे ग्रिप लगा के चला है, लेकिन पट्टे पे ग्रिप लगाना नहीं सिखाना था। ए नो नो, जिस पप्पी को मैं लेके जा रहा हूँ वो आज तक कभी भी जिन्ने में से नीचे नहीं आई। ए ले, अब कोशिश कर रही नीचे उतरने की, साथ में चलने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन इधर आके ग्रिप लगा रही बार बार, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाइस ये इस पप्पी की मम्मी है, और ये देख लो इससे भी नहीं मिलवा रहे इसे, क्योंकि ये ना एग्रेसिव हो जाएगी इसके ऊपर को थोड़ा बहुत, क्या पता इसका डंक मार ले। क्या बोला तूने? नहीं, काट ले इसके नाखून। देखो भाई कितने बड़े बड़े नाखून है, इसके नाखून भी कटवाने पड़ेंगे रास्ते में, अपने आप तो काट नहीं सकते क्योंकि क्या पता बुरा मान जा। फाइनली अपना एबीपीटी का पप्पी ले लिया और लेके घर ही जा रहे हैं। इसे घर जाके देखेंगे अल्फा पीकू और लूसी का क्या रिएक्शन होगा इसे देख के। गाइस आज ये पहली बार जाल से बाहर निकली है, बल्कि अपने घर से ही पहली बार बाहर निकली है। बाहर निकल के बाहर की दुनिया देख रही ना, तो अजीब अजीब हरकतें कर रही एबीपीटी। गाइस फाइनली घर पे पहुंच गए हैं, तो अभी रिएक्शन देखने वाले हैं पीकू का, अल्फा का, लूसी का क्या होने वाला है नए पप्पी को देख के। अब यार मैं सोच तो रहा हूँ कि इसे खुला छोड़ दूं, लेकिन ये गड़बड़ हो सकती है कि भाई इसके साथ कुछ पंगा ना हो जावे। गाइस मैं रिस्क ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ एबीपीटी को इनके बीच में। गाइस अभी तो एबीपीटी डरा हुआ है थोड़ा सा, बस ऐसा ना सीन हो जावे किसी के साथ इसका पंगा ना हो जावे। ओए पीकू के साथ लग रहा पंगा होगा, वो डर भी नहीं रही यार ये तो बिल्कुल भी। ओ नो नो नो, ओए ओए ये नहीं मानने वाली है भाई, ये तो अटैक करेगी। अबे ओए अल्फा हट जा पीछे, ये नहीं आने वाली किसी के बस में, इतनी बुरी तरीके से मुझे पकड़नी पड़ रही है एबीपीटी को। भाई अलग करना पड़ेगा इनसे, पहले दिन ये एबीपीटी घर लेके आया और पहले दिन ही पंगा हो गया इन सारों के साथ। ये देख लो पीकू कितना बड़ा साइज का है, मॉनिस्टर साइज का है, इसके साथ भी पंगा कर दिया यार इसने तो। किसी ने इसे कुछ नहीं कहा, ये मेरे सारे डॉग फ्रेंडली है, बट ये एबीपीटी है भाई, इसकी तो आदत है खुद की। ये देख लो अल्फा भी मिल रहा है इसे, पीकू इससे कितना बड़ा है, मॉनिस्टर भी है, लेकिन भाई ये पीकू से भी नहीं डरी। अब इसे पहले पट्टा वट्टा बांधना पड़ेगा ताकि इसे हम पकड़ सके और दूर कर सके। ओए अल्फा घनी ज्यादा खतरनाक है ये तो, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा खतरनाक निकल गया। और आते ही सार फाइट, पहला दिन पहली मिनट आते ही पीकू पे अटैक। जब ये पीटू को बांध के रखना पड़ेगा, कुछ नहीं पता भाई किस टाइम कितना पंगा हो जाए। और अभी यार मिस्त्रियों का सारा काम अधूरा पड़ा हुआ है, शाम होगी, पहले मैं जा रहा हूँ बरोटी लेने के लिए, बरोटी भी आज तो खेत में पड़ी, और सीमेंट के कट्टे भी लाने पड़ेंगे। तो चलो गाइस अभी चलते हैं, पहले एबीपीटी को बांध के अलग करते हैं इनसे, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा ना तो फाइट होगी, सीन बन जाएगा यार इसके साथ। अल्फा को तो मैंने ग्रिप भी नहीं सिखाई, ना लूसी पे ग्रिप लगानी आती, पीकू के साथ पंगा हुआ, पीकू गुस्सा आ गया तो वो तो मामला खत्म कर देगा। अगर इसका पंगा लूसी उसी के साथ हो गया ना तो लूसी को पकड़ लेगी ये भाई। फर्स्ट टाइम मैंने इतना रुद्र रूप देखा यार, मैं तो पागल हो गया उसके लिए। पहले अल्फा का एग्रेशन खत्म करके ले आऊं। गाइस आज दोनों रूप देख लिए, अभी दिखाता हूँ, मेरे हाथ पे भी दांत लग गए, देखा खून निकल गया मेरे हाथ में भी। चेक करो भाई मेरे हाथ में भी खून आ गया यार। मैं तो ये सोच रहा था कि अल्फा को कुछ भी नहीं सिखाना, लेकिन अल्फा का रुद्र रूप देखो आज, रुद्र रूप कहते हैं जिसे सच में यार। लेकिन लगता नहीं कि इनकी फ्रेंडशिप होगी, वो फीमेल है ये मेल है, तब भी लड़ाई बचगी। इनकी दोस्ती करवाने के चक्कर में इनकी तो दुश्मनी होगी कैडे वाली, वो भी कुछ कम नहीं थी भाई। इनका मुकाबला जैसे मैंने देखा ना अपनी अंकों से, भाई बड़ा खतरनाक हो गया था वो तो। शुक्र है यार इनकी एज अभी कम है, ज्यादा एज के नहीं आए। जैसा हमने सोचा था ना कि फीमेल की मेल के साथ थोड़ी दोस्ती हो जाएगी, एक म्यान में दो तलवार ले नहीं सकती कभी भी, अब यार वो भी तलवार ही आगे दिखे में आए तो ऐसा लग रहा। अब अल्फा अपना कुछ एग्रेशन घास खा के भी कम करेगा। घर पे मिस्त्री का काम रुक गया, पहले सीमेंट का कट्टा आ गया लेने के लिए, पहले सीमेंट का कट्टा पहुंचाता हूँ घर, उसके बाद ही मिलूंगा उनसे। कुछ टाइम पहले इसकी लड़ाई हुई थी अल्फा के साथ, और ये देख लो इसने तो तुरंत ही ग्रिप लगा दी, पर मैंने इसे लाके छोड़ रखा था, और ये देख लो भाई आते ही इसने ग्रिप लगा दी। अब ये तुम सोच सकोगे ये कितनी खतरनाक होने वाली है, ये भाई किसी मेल डॉग से भी नहीं डरने वाली है, क्योंकि इसकी ब्लड लाइन ही ऐसी है, इसका खून इतना ज्यादा गर्म है, तुमने देख भी लिया होगा। इसने जब अल्फा के पीकू के ऊपर ही अटैक मार दिया तो ये क्या कर सके है? किसी का व्हाइट कबूतर उड़ के आ गया, पहली बार में कबूतर पकड़ने के लिए गिलास में पानी लिया है, बताओ यार गिलास देख क्या होगा। क्या ये इधर व्यू को देख लो क्या कर रहा, रेत में ही नहा रहा, मजे आ रहे रेत में नहा के।
और गाइस आज के लोग अपना यहीं पे ऐड करते हैं। आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि एबीपीटी का नाम क्या रखे और उसे कैसे रखे, किस तरीके से रखे ताकि इनकी फ्रेंडशिप हो जाए।